मैं एक सम्मेलन में गया यहाँ भारतीय विद्या भवन में, वहाँ मेरे को 8-10 लोगों ने घिर के कहा, कहते गुरुदेव कोई टिप्स दीजिए, कोई टिप्स दीजिए। मैं कहा भाई अब मेरी स्पीच आने वाली, मैं टिप्स देता हूँ, मैं एक एक को तो नहीं मैं दूंगा, सबको इकट्ठा ही दूंगा। तो उसके बाद मैंने बहुत शानदार अपनी तरफ से टिप्स दिए, ऐसे दिए कि लोग आज ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए। तो उसके बाद लंच हो गया, तो लंच में मैं खाना खा रहा था तो वो सामने खड़े थे, तो मैंने पूछा, मैं कहा अब तो मैं कहा तुम्हारा पेट भर गया होगा, मैंने बहुत इतने सारे टिप्स दे दिए। अब वो हंसे भी और आपस में थोड़ी फुसफुसाई भी। मैं क्या हुआ, कहते गुरु ये एक या दो बातें तो ये समझ आ गई, बाकी सब सर के ऊपर से निकल गए। उसका कारण ये है कि आप जिसको जो बताते हो, जो समझाते हो, उसकी पढ़ाई तो कम से कम उस लेवल तक की आ जानी चाहिए कि उसकी प्राइमरी उसको आती हो। ये नग पहनाना, बेटा एक एस्ट्रोलॉजर जब भी नग पहनाएगा ना, मेरे यहां सबसे कम सेल स्टोन्स की है। कारण क्या है, मैं दूसरी चीजों से इलाज कर देता हूं, बहुत नेसेसिटी हो तो मैं नग भी देता हूं। ठीक है, नग इस अवस्था के अंदर पहनाए जाते हैं कि ग्रह कोई बैठा हुआ है और वो बैठा शुभ घर में है, लेकिन वो किसी भी एंगल से अगर जाग नहीं रहा, ठीक है, और उसमें प्राण नहीं है और उसके फल लोगों को जब नहीं मिल रहे हैं तो हम वो नग पहनाते हैं। ये पहला असूल। दूसरा असूल, स्पेशली तौर पे अगर कोई नग कोई ग्रह बैठा हुआ 11वें घर में, 9वें घर में, उसका अभी वक्त नहीं आया, ठीक है, लेकिन फल उससे पहले, यानी कि काम तो कभी भी पड़ जाते हैं उस ग्रह से संबंधित, और तीसरा पांचवा घर खाली है, तो ऐसी अवस्था में हम तीसरे घर के अंदर जो उस कुंडली के अंदर शुभ ग्रह हो उसका नग पहना के उन ग्रहों को, दूसरे ग्रहों को जगाने का काम करते हैं, उससे वो इमीडिएटली फल देने लगते हैं। ये साइंस है, ठीक है। गुस्सा तुम्हें आ रहा है और मोती पहना दो, बेटा ये मैं मान गया कि ये चंद्रमा का नग है, लेकिन तीसरे घर में चंद्रमा का क्या सबको सूट करता है? तीसरे मोती पहनने के बाद इस दुनिया के अंदर हजारों लोग होंगे जो बीमार हुए हों, मोती पहनने के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता को खोया होगा। तो बात मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि वो कहते हैं ना धूल में लठ मारना, लग गया तो ठीक है, नहीं तो बिक तो गया। वो वाले हालात होते हैं, यानी जो ये स्टोन्स, जेम स्टोन्स दिए जाते हैं, ये धूल में लठ मारने का काम है। तो मतलब लाल किताब में है ही नहीं रत्नों के उपाय। कौन कहता नहीं है, तो बिल्कुल है, मैंने बताया ना इस विधि के साथ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां माणिक्य पहना दो, यहां अपना पहना दो, यहां मोती पहना दो, ना, वहां पर उसके लिए बकायदा एक साइंस का फार्मूला बताया गया। जैसे फार्मूला होते हैं ना, एक्स इजकल टू वाई और फलाना रिजल्ट ये आएगा, ऐसे ही ना, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। आपको उसी वक्त डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इसको जगाना है, इसकी ताकत को कम करना है, और अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए कौन सा नग स्टोन चलेगा, वो उसी वक्त सजेस्ट किया जाता है। ओके, वो हमने फार्मूले बना करके अपने सॉफ्टवेयर में भी डाले हुए, जिसकी जन्म कुंडली निकलती है तो वहां पर निकलता है अगर, और आप देखोगे पढ़ के, रेयरली निकलता है जब मैं कोई नग बताता हूँ ना, कि वो नग वो पहन सकते हैं ना, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि जो आया उसे नग पहनाना ही पहनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।